हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप IIT जैम या किसी भी और यूनिवर्सिटी में MSc के लिए एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन हुज LI सॉल्यूशन आर x² एंड x³ है। यानी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है हमें, जिसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो है x² एंड x³ है, उनको निकाल किस तरह से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जब LI सॉल्यूशन है हमारे पास तो उस कंडीशन में उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो भी एक सॉल्यूशन होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं y बराबर c1x प्लस c2x² प्लस c3x³, तो ये भी एक इसका सॉल्यूशन होगा। अब अगर इस इक्वेशन में हम c1 c2 और c3 की वैल्यू निकाल दें तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आएंगी और इसमें से मतलब इनको रिप्लेस करते हैं किसी y से, y1 के डेरिवेटिव से, तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन आएगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसके लिए हम पहले क्या करें, डेरिवेटिव निकालें। y डैश x निकाला तो ये हो गया हमारे पास c1 प्लस 2c2x प्लस 3c3x². अब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये हो जाएगा y डबल डैश x, लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे y डबल डैश, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2c2 प्लस 6c3x। ट्रिपल डैश डेरिवेटिव निकाला तो ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6c3। तो यहाँ से हमारे पास c3 की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, c3 बराबर y ट्रिपल डैश अपॉन 6। तो c3 की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ से आ गई हमारे पास। अब y डबल डैश, अब यहाँ से c2 की वैल्यू, अगर इसमें हम c3 की वैल्यू रखते हैं तो c2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर देखें तो ऐसे 2c2 इस क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तो क्वेश्चन 3 से यहाँ से 2c2 इक्वल टू y डबल डैश माइनस 6c3x, या यहाँ से c2 निकाल लें तो 1/2 ये हो गया। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट करना चाहे तो 6c3 बराबर y ट्रिपल डैश है, तो ये हो गया c2 बराबर 1/2 y ट्रिपल डबल डैश माइनस, और यहाँ 6c3 की जगह y ट्रिपल डैश, तो x y ट्रिपल डैश ये हो गया, क्योंकि x ये रहा हमारे पास, यहाँ से ये हो गया हमारे पास। अब c2 की वैल्यू और c3 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो c1 की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से c1 बराबर है हमारे पास y डैश माइनस 2c2x माइनस 3c3x². अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास y डैश 2c2 की वैल्यू पुट करते हैं, 2c2 की वैल्यू अगर देखें तो 2c2 की वैल्यू अगर चाहे हम तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर लें इसका, तो 2c2 की वैल्यू ये है हमारे पास, तो 2c2 की वैल्यू माइनस, और x का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो x का मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि ये x है, तो इस x का मल्टीप्लाई करके साथ में लिख रहे हैं माइनस, तो यहाँ पे y डबल डैश x y डबल डैश ये हो गया, और इसमें x का मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6x² सॉरी यहां से वैल्यू पुट करनी है तो ये y डबल डैश है, ये यहां से वैल्यू पुट करें तो 6x² एंड सॉरी यहां से वैल्यू पुट करें तो x² क्यों x का मल्टीप्लाई किया तो x² और y ट्रिपल डैश ये हो गया। अब अगर देखें तो 3c3 की वैल्यू, या 3c3 की वैल्यू यहां पे अगर 3 का मल्टीप्लाई कर ले तो y ट्रिपल डैश अपॉन 2, तो माइनस 3c3 की वैल्यू y ट्रिपल डैश अपॉन 2x² ये आ चुकी है। अब अगर हम यहां से चाहे तो इनमें से कट कर सकते हैं, कुछ वैल्यू जो कट हो सकती है उनको कट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें माइनस y ट्रिपल डैश अपॉन 2x² और x² y ट्रिपल डैश, यानी y ट्रिपल डैश की टर्म है हमारे पास और x² की टर्म है, तो इन दोनों को अगर माइनस करें तो यहाँ पे अपॉन 2 यानी ये रह जाएगा, ये कट जाएगा, ओनली ये बच जाएगा। अब ये वैल्यू y c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू एंड c3 की वैल्यू, क्योंकि c2 की बेसिक वैल्यू जो है ये है, ये सभी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास आएगा y बराबर
C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही, तो ये हो गई y डैश माइनस, और x से मल्टीप्लाई करना है तो x y डैश माइनस x स्क्वायर y डबल डैश प्लस x स्क्वायर y डबल डैश अपॉन ट्रिपल डैश अपॉन 2 x क्यूब, क्योंकि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें तो x क्यूब हो जाएगा, ये हो गया C2 x स्क्वायर। C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू ये है, और इसमें x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1 अपॉन 2 x स्क्वायर y डबल डैश माइनस x क्यूब y ट्रिपल डैश अपॉन 2, ये हो गया। और यहाँ पे C3 की वैल्यू पुट करें तो C3 x क्यूब, तो C3 की वैल्यू क्या है, y ट्रिपल डैश अपॉन 6 प्लस y ट्रिपल डैश अपॉन 6 x क्यूब। अब इसको हम रीअरेंज करें, इसमें दोनों में क्या करें, इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो हमारे पास ये चेंज हो जाता है 6 बाई दोनों तरफ 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाए 6 बाई ये एक्स वाई डैश, यहाँ पे अगर देखें तो फिर एक्स क्यूब वाई डबल डैश एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश, और ये प्लस और माइनस के तो ये कट जाएंगे, तो ये हो गया। अब 6 से मल्टीप्लाई करें 6 वाई इक्वल टू 6 एक्स वाई डैश माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, और यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास बेसिकली 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश और माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश है, तो यहाँ पे यहाँ से अगर हम करना चाहें तो ये भी हमारे पास माइनस 1 अपॉन 2 बच जाएगा, इसको इसका हम कुछ नहीं करें, यहाँ पे कर देंगे जो भी करना है, और यहाँ पे प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये तो कट गए तो ये बचा था, इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया तो प्लस वाई ट्रिपल डैश एक्स क्यूब ये आ गया। अब इसमें से इसमें माइनस कर सकते हो, माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश बचेगा, तो यहाँ से अगर सभी टर्म्स को इधर ले जाए, इस टर्म को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले इसको लिख रहे हैं वाई ट्रिपल डैश और एक्स क्यूब आगे, ये हो गया। उसके बाद वाई डबल डैश की y डबल डैश वाली टर्म, तो ये हो गया माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 6 एक्स वाई डैश माइनस 6 वाई इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ये सॉल्यूशन है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो हमारे पास x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब होंगे, उनको हम निकाल भी सकते हैं। कई बार हमने इस तरह के इक्वेशन को निकाला भी, हमने सोल्व भी किया है, तो आप जाके देख सकते हो। तो इस तरह से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर हमारे पास LI सॉल्यूशन दिए हुए तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैलकुलेट इस तरह से किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।